किचन्स, मैं हूँ आरती। आरतीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं भावनगरी गाथिया। ये भावनगर का फेमस गाथिया है। आप इसको चाय के साथ या कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं और ये बहुत सॉफ्ट एंड क्रिस्पी बनते हैं। तो चलो हम भावनगरी गाथिया बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसके अंदर डालेंगे हम आधा कप ऑयल। और जितना ऑयल लिया है उतना ही हम पानी डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधी टेबलस्पून बेकिंग सोडा, या सोडा बाई कार भी बोलते हैं, वो डाल देते हैं। डालेंगे आधी टेबलस्पून नमक। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। पानी और ऑयल आपस में अच्छे से घुल जाए तब तक इसको हिलाना है। इसी तरह मिक्स हो गया है और कितना व्हाइट भी हो गया है। उसी स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 2 कप चने का आटा। नाप के हिसाब से देखें तो ये 250 ग्राम चने का आटा है। इसमें हम आधी टेबलस्पून अजवाइन इसे मसल के डालना है, आधी टेबलस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर, ये डरडरा बनाया है, बहुत मोटा नहीं रखना है नहीं तो हमारे मशीन में बीच में फंस जाएगा। इसका आटा गूंद लेना है। हमने जितना पानी और ऑयल मिक्स किया था उसमें जितना आटा मिक्स हो उतना हमें डालना है। तो 2 कप हमने पहले डाले थे और 1 कप डालेंगे। अच्छे से इसका आटा गूंद लेना है और थोड़ा आटा डालने की जरूरत है। हमने और आधा कप आटा डाला है। टाइट आटा गूंद लेना है। हम देखिए हमने ऐसा टाइट आटा गूंद लिया है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मसलना है। इससे हमारे आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और हमारे गाथिया बहुत फ्लफी बनेंगे, खाते ही मुंह में घुल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। पहले से हमें आटे को नरम नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। सारा पानी आटे के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। गाथिया बनाने के लिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख लिया है और हमने जो अलग से पानी डाला था वो भी आटे में एब्जॉर्ब हो गया है और आटे का कलर कितना चेंज हो गया है। तो अब हम गाथिया बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये मशीन लिया है, इसके अंदर हम ये जाली रखेंगे। इससे बड़ी वाली जाली भी आती है लेकिन हमने बीच वाली ली है। इस मशीन के अंदर हम ये आटे को भर देंगे। आटे को हमने इतना मसला है कि ये इतने फ्लफी बनेंगे ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और ये बनाने में बहुत समय भी नहीं लगता है। गाथिया बनाना शुरू करते हैं। मशीन से हम गाथिया बनाना शुरू करेंगे। अब इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, थोड़ी देर पकने के बाद ही इसको पलट लेना है। देखिए नीचे से कड़क हो गए हैं तो इसे हम पलट लेते हैं और पलटने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ये इतने जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं कि आप नाश्ते के लिए भी बनाकर रख सकते हैं, 1 महीने के लिए डिब्बे में भर कर स्टोर कर सकते हैं। देखिए ऐसे हम सारे गाथे बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल फरसान की दुकान में मिलने वाला गाथिया, भावनगरी गाथिया जैसा दिख रहा है। देखिए अपने आप ही अलग हो जा रहे हैं।
देखें हमारे ब्राउन अग्री गाठिया बनकर तैयार हो गए हैं और बिल्कुल बाहर जैसे दिख रहे हैं और कितने क्रिस्पी भी बने हैं और सॉफ्ट भी हैं।